बना बना घर तोड़ दिया मेरा, तूने बना दे के सब लूट लिया मेरा। यार क्या फ्लो स्विच करते हैं ना भाई, यार एक दिन जान ले लेंगे मेरी। Turn the mic up. So what is up guys, welcome back to Unstacked. तो भाई मैं ऐसे ही अपनी स्क्रॉल डाउन कर रहा था अपनी वीडियोस को, तो भाई मैंने चेक किया कि भाई हर दो या तीन रिएक्शन के बाद मेरा भाई बेला के रिएक्शन ही आ रखा है, क्योंकि भाई बेला गाने इतने ड्रॉप करता है भाई, ठीक है। फिर एक या दो वीडियोस के बाद वापस मेरा रिएक्शन आ गया भाई बेला का। भाई ये ना चीज़ बहुत अजीब लगती है भाई, या फिर ना हमने कभी भी ना ऐसे कभी किसी की कंसिस्टेंसी देखी नहीं है। तो बेला जो कर रहा है ना भाई, मतलब मेरे को तो भाई विश्वास भी नहीं था कि बिग स्माइल ने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि ब्रेकअप कॉल जो है थोड़ा एक दिन पहले डाली थी कि उनका नया गाना आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता था भाई उसमें बेला भी होने वाला है भाई, शेट। जब अभी शायद 7:15 गाना ड्रॉप हुआ है भाई, पता नहीं यार क्या उसे मतलब गाने का क्या क्रेज है कि भाई उससे ऐसी ऐसी चीज़ें करवा जाती है भाई। मतलब अगर सीखना है तो भाई इस चीज़ से देखो, भले उसके गाने तुम्हें अगर पसंद ना आए, ऐसा तो वैसे कभी हो नहीं सकता, अगर तुम्हें उसके गाने पसंद नहीं आ रहे तो पता नहीं तुम किसको सुन रहे हो, पक्का तुम ओम प्रकाश मिश्रा को सुन रहे होगे। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें उसके गाने समझ नहीं आते ना, तो भाई कम से कम उसकी कंसिस्टेंसी से सीख लिया करो, ठीक है भाई। तो भाई यही चीज़ है भाई, एक और गाना आ गया, गाने का नाम है ब्रेकअप कॉल। तो ब्रेकअप कॉल क्या होता है, जैसे किसी फ़ोन पे ऐसे ब्रेकअप कर ले, पता नहीं क्या होने वाले इस गाने में, गहरी बातें होने वाली है, क्योंकि भाई जब भी हमने देखा है बेला आते हैं तो भाई नॉर्मल वर्ड्स तो ड्रॉप करने नहीं वाले, बहुत अलग यार। ये मैं वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, क्वालिटी अलग ही लेवल है भाई, क्वांटिटी के तो तुम बात ही छोड़ दो, ठीक है। कम से कम 60-70 गाने डाल देंगे भाई एक दो साल में, अभी एक और मिक्स टेप आ जाएगी, और फीचर्स तो भाई चलते रहते हैं, कभी FI म्यूजिक से आ रहा है, कभी भाई किसी और के साथ कोलैबोरेशन आ रहा है, कभी सरकार के साथ। फिलहाल भाई भटकते नहीं है, ठीक है, सीधा आते हैं गाने पे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, शिट। चलो भाई आ जाओ। भाई ये टेकन खेल रहे हैं भाई वेला, शिट। अच्छा वो जो मतलब वो कौन सी टोकन्स वाली गेम जो होती थी, अच्छा अगर मैं गलत ना हूँ तो मेरे को तो ये लग रहा है भाई, बाकी तो वो स्टिक पकड़ के यही कर रहा है, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं, अगर कोई चीज़ अलग होती है तो। क्या हुआ मुझे कैसे भाई, इज फ्रस्ट्रेटेड भाई। भाई कितना गलत लग रहा है भाई इसमें। तुझे तो सब पता था कहाँ कहाँ मुझे चोट लगेगी, ये खड़े खड़े मार देंगे मुझे और तू दूर खड़ी चुप रहेगी, तू मेरे लिए पहली पहली जो आज बन गई पहेली, तू मेरे लिए पहली पहली जो बन गई आज पहेली। मैं तुझे मतलब सॉल्व मतलब मैं तुझे पढ़ ही नहीं पाया हूँ भाई, तू मेरी पहली थी लेकिन मैं अभी तक तुझे पढ़ ही नहीं पाया हूँ, तू मेरे लिए पहली बन गई भाई। अच्छा तो ब्रेकअप कॉल का ये मतलब होने वाला है क्या भाई, ओह डैम। तो मतलब मेरे हिसाब से इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मे बी। तेरी अरमा से खेली अब तू ही मेरे हाथ में नहीं, तूने बना बना घर तोड़ दिया मेरा, तूने बना दे के सब लूट लिया मेरा। अरे क्या फ्लो स्विच करते हैं ना भाई, यार एक दिन जान ले लेंगे मेरी। साथ दे के दम तोड़ दिया मेरा, मेरी खुशी लेके तूने गम छोड़ दिया मेरा, अभी मुझे याद ही ना आए तूने कभी भी जो प्यार से हो नाम लिया मेरा, बोल मैंने तुझे सब दिया मेरा, मैंने तुझे सब छोड़ वक्त दिया मेरा, तूने कहा दुनिया से डर है, मैंने साली दुनिया ही जीत ली, तूने कहा ओह शिट भाई शिट। भाई मैं क्या बोलूं भाई, क्या लाइन थी भाई, वक्त दिया मेरा, तूने कहा दुनिया से डर है, मैंने साली दुनिया ही जीत ली, तूने कहा अब तू बदल गया, तूने तेरे मेरे बीच में लकीर खींची, I don't know why, fame money दारू too attractive, गाने मेरे ग्रो करें लोग, देख मुझे रो पड़े लोग। भाई गूज़बम्स आ रहे हैं। क्या हुआ मुझे कैसे बताऊं मैं, यार मैं बेला के बारे में क्या ही बोलूं भाई, यार पता नहीं कैसे लिख लेता है भाई, पक्का एलियन ही लग रहा है भाई। क्या हुआ मुझे कैसे बताऊं मैं, तू बेवफाया आशिक ना बुलाया कर, इस टूटे दिल को क्या दवा पिलाऊं मैं, है तेरे बिना सांस दम से कम, जो तुझे बयां करे बने कोई लफ्ज ही नहीं, शायद मैंने अब जीना सीख लिया, तभी सीने में दर्द मेरे अब होता है कम भी नहीं। ओ भाई
कि जब भी मैं तेरे साथ होता तो मुझे दर्द ही मिलता है भाई, इसलिए मैंने शायद जीना सीख लिया तो अब दर्द भी कम नहीं होता। शिट से मुझे खुश हुए जब तुझे बोलता था मेरा सब तू है, तुझे बिना जाने दिया सब, मेरा जिंदगी ने मेरी करी ऐसी हरकत क्यों है। वो मिले थे कुछ इस तरह से और जीने की दे दी वजह, वो चेहरा ना भूला कभी, वो अब भी यादों में देती मिला खुद से। अब लगे मुझे बेहतर है तेरे बिना, अकेलापन मेरा साथ ही बन चुका, जमीन और आसमान का फर्क रखता मैं, हाथों में कलम है जो बनी मेरी माशुका। मजाक तो मैं अब भाई मेरी माशुका तू नहीं, अब मेरा कलम ही मेरा माशुका है। शिट बाद में बना, पहले तो कभी हम तेरे हुआ करते थे, तेरे अलावा किसी और की न चाहत थी, एक तेरे लिए ही तो दुआ करते थे। है लिया छीन तूने सब मेरा, मेरे हाथों में हाथ बस तेरा, मेरी आशा की मैं दागे जो कह रहा, तुझे भूल जाना चुका बन मकसद मेरा, तो आओ ना मैं हूँ। क्या इतनी जो इतने गहरे वर्ड्स है क्या मैं समझ भी पाया हूँ या नहीं, मुझे भी नहीं पता। सब मेरा, मेरे हाथों में हाथ बस तेरा, मेरी आशा की मैं दागे जो कह रहा, तुझे भूल जाना चुका बन मकसद मेरा। क्या बोलते हैं भाई यार, ये तुझे भूल जाना चुका बंद मकसद मेरा। शेट तो आओ ना मैं हूँ रहा ना पहले जैसा, तू ही मेरा सर्कल तू ही मेरी वाइब, बोल मेरे मुंह पे कि मैंने तेरा टाइप है, कर दूँ मैं जाहिर सब तूने चाहा था, जैसा तेरा सर जो होने लगा तो मैं ना रहा जो मैं कभी था। भाई लव स्टूपिडिटी एवरीवन स्टूपिड, नाइस भाई। भाई वर्सेटैलिटी की बात करनी चाहिए मुझे इस गाने में, या नहीं भाई? बहुत मैं पागल ही लगूंगा भाई अगर वर्सेटैलिटी के बारे में बात करूं, या फिर फ्लो स्विच के बारे में बात करूं, या वर्ड्स के बारे में। भाई हमें पता है भाई कैसा गाना होने वाला है भाई यार, इसकी क्वालिटी पता ही लग जाती है भाई, जब भी कोई गाना ड्रॉप होता है बेला का तो पता ही लग जाता है भाई क्या वर्सेटैलिटी होने वाली है, क्या क्वालिटी होने वाली है गाने की। तो भाई मेरे हिसाब से इन बारे के इस इन चीज़ों के बारे में बात करना भी भाई मतलब टाइम वेस्ट है भाई। ये तो ऑब्वियसली लिख लो भाई कहीं पर, अगर बेला आ रहा है तो ये चीज़ें तो होंगी, ठीक है। और भाई वही है कि जो फ्लो स्विच भाई इतने ईजिली कैसे कर देते हैं भाई, मतलब बेला कितना टाइम लगाया होगा भाई इन चीज़ों में, और टाइम के साथ तो भाई गाने भी आ रहे हैं भाई। मैं क्या क्या बोलूँगा बेला को भाई। भाई अगर हम गाने की बात करें भाई, तो ब्रेकअप कॉल था गाने का नाम, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बेला अपना पर्सपेक्टिव बता रहे होंगे कि ब्रेकअप कॉल पे मतलब मैंने क्यों ब्रेकअप दिया ऐसा कुछ, और या फिर बिग स्माइल ऐसा कुछ बता रहे होंगे, तो दूसरा पर्सपेक्टिव बेला बता रहा होगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन नहीं भाई ब्रेकअप कॉल था, और बेला और बिग स्माइल ने अपने दोनों का पर्सपेक्टिव रखा भाई कि कैसे कैसे हुआ जो भी इनके साथ चीज़ हुई। और जो मतलब वही है ना, जो ऐसी आशिक वाली चीज़ें होती है भाई, तुम्हें वही सबसे ज़्यादा हिट करते हैं अगर तुम रिलेशनशिप में हो भी या नहीं भाई, बहुत गहरी गहरी बातें कह देते हैं यार ये। तो भाई यही था मेरा रिएक्शन, ठीक है। मेरे को गाना एक दो बारी और सुनना पड़ेगा भाई, मुझे मेरे हिसाब से जितने भी रेफरेंसेस थे, जितने भी डीप लाइनें थे, मैं एक बार में ऑब्वियसली पकड़ नहीं सकता भाई, बहुत अलग गाना था भाई। जो एक एक गाने को क्यों हर गाने से अलग बना देते हैं बेला की, भाई ये मैं हर वक्त सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों भाई। हर एक गाने की अपनी डेफिनेशन है भाई, हर एक गाना यूनिक है भाई, हर एक गाने में वर्सेटैलिटी है भाई। मैं कैसे बता दूँ कि भाई मेरे हिसाब से कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि जब भाई बेला एक साथ मतलब कोई सेम गाना फेंक दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। ये मेरे को वही है भाई, हर चीज़ सोचने पे मजबूर कर देते कि इतना डिफरेंटली हर चीज़ पे हर ट्रैक पे बेला कैसे आ जाता है भाई। मैं बेला के बारे में जितना बोलूँगा उतना कम है भाई। वही है कि जैसे जब कम्युनिटी पोस्ट डली थी, मुझे लगा था हाँ भाई बिग स्माइल की तरफ से एक नया सोलो देखने को मिलेगा, बाकी बहुत हार्ड वर्ड्स होएगा ब्ला 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 ये सब भाई। लेकिन मुझे मैं शौक हो गया था एकदम से जब प्रेमियर पे डला गाना, तो भाई उसमें बेला भी था, तो आई वाज लाइक भाई शिट भाई गाना बहुत गलत होने वाला है। तो गाइस यही था मेरा रिएक्शन, आप बताना कि भाई तुम्हें गाना कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई। मुझे तो एक दो बार और सुनूंगा, ठीक है, वाइब करूंगा इस गाने पे, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है भाई अगर मेरी अगर जैसे मैं प्लेलिस्ट बताऊं, तो 10 गाने में ना 5 या 6, पहले 2 या 4 दो तीन हुआ करते थे बेला के भाई, लेकिन अब 2 या 4 से भाई 6 या 7 हो गए भाई बेला के। तो यही सीन है कि भाई
पूरी प्लेलिस्ट, एक दिन ऐसा आएगा भाई पूरी प्लेलिस्ट बेला की होने वाली है। तो गाइज बताना आपको गाना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर, और ये भी बताना मेरा रिएक्शन कैसा लगा, ठीक है। आई एम ओपन टू ऑल योर सजेशन, अगर मेरे रिएक्शन में कोई भी आपको कमियाँ दिखती है तो वो भी बताना, मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। और गाइज ये भी बताना कि मेरा रिएक्शन कैसा लगा, अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक मिलते हैं अगले रिएक्शन में, आई होप भाई अगला रिएक्शन वापस बेला का हो जाए तो भाई और अच्छी बात है भाई, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।